बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक आम वाला रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे आम थे, लेकिन वह सभी को बेचने के बजाय सिर्फ अपने लाभ के लिए उन्हें संचित करता रहता था। गांव के लोग उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान थे, पर वह अपनी लालची आदतों से बदलने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। बहुत से लोग आम खरीदने आए थे, लेकिन आम वाले ने अपनी आमों के दाम को बहुत ऊंचा रखा था। एक बच्चा उसके पास आया और आम मांगने लगा। अंकल, आम दे दो, मैं अपने पिताजी के लिए लेना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आम इतने महंगे हैं कि तुम्हारे पापा को लेकर आने से पहले ही तुम्हारा पूरा गांव खरीद लेगा। मुझे अपने लाभ का ध्यान रखना है। बच्चा निराश होकर वहां से चला गया, लेकिन उसने एक जगह पर एक वृद्ध महिला को आम बेचते हुए देखा और उसने देखा कि वह वृद्ध महिला एक बच्चे को बिना पैसे दिए उसे आम दे रही थी। यह देखते ही बच्चा खुशी खुशी उसके पास गया और कुछ आम लेकर वापस अपने घर चला गया। यह देखकर लालची आम वाले ने सोचा, इतने सालों से मैंने अपने लालच में कितनी गलती की है। अब से मैं भी आमों को सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी बेचूंगा।